Hello and good morning, children. Hope you all are doing good. Most of you are asking me the same questions every time. Okay, miss, we have to write the explanation also or the question answers. Miss, I have not written in the fair copy. What should I do? Same questions, and you all are repeatedly asking me this type of questions. Before the starting of the chapter, I make you all clear with this thing कि please आपको starting of the chapter में ही ये बात समझा दी गई थी कि जिसके पास भी books हैं वो अपनी exercises को copy में करेगा, sorry book में करेगा, और plus question and answers और notes आपको copy में करने हैं, क्योंकि उस time पे सबके पास book नहीं थी. ठीक है, एक आध बच्चों के पास book थी जिन्होंने पुराने बच्चों से ली थी, बट सबके पास नहीं थी. बट आई थिंक ऑल बाय दिस टाइम ऑल हैव गॉट द बुक्स नाउ. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माय नेक्स्ट चैप्टर, आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू, और आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. कि जिसके पास बुक आ गई है और कॉपीज आ गई हैं, दोनों चीज़ें, बुक्स एंड कॉपीज दोनों, वो जो हम एक्सरसाइजेस आपको सेंड करते हैं, एक्सरसाइजेस आप अपनी बुक में करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो कॉपी अब आपको नई आ चुकी है, मिल चुकी है. ठीक है, द कॉपीज विच यू हैव गॉट न्यू फॉर योर क्लास सेवेंथ, इन दैट कॉपी फ्रॉम दिस चैप्टर विच आई विल बी स्टार्टिंग नाउ. आज जो हम चैप्टर आपका शुरू करेंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स आप अपनी फेयर कॉपी में, क्लास सेवन्थ की जो कॉपी अब आपको मिल गई होगी अगर, तो आप उसमें शुरू करेंगे. और जो अभी तक आप अपनी कॉपी, जिस कॉपी में लिखते आ रहे थे, पुरानी जो भी आपकी कॉपी जिसमें भी आप लिख रहे थे पिछले क्लास की, मगर आपको बताया गया था कि आपका जो काम होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए. मीन्स आपकी कॉपी में, चाहे कॉपी जैसी हो, चाहे लीफ इंटरलीफ हो, चाहे विदाउट इंटरलीफ हो, तो आपकी कॉपी में काम आपका साफ साफ होना चाहिए, डायग्राम्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और जो नोट्स हमने दिए हैं एक्सप्लेनेशन वाले, डेफिनेशन एंड ऑल, वो सब भी होने चाहिए, और प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स विद द डायग्राम. ठीक है, और अब अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज दोनों आ गई है फॉर द न्यू सेशन, तो अब जो चैप्टर अब मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करेंगे, न्यू कॉपी में. और अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज अभी भी नहीं आई हैं, तो जैसे आप कर रहे थे आप अपनी पिछली कॉपी में ही काम करेंगे. वी विल बी कंटिन्यू डूइंग इन द सेम कॉपी विद द एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड ऑल, एंड प्लस द क्वेश्चन एंड आंसर्स. फॉर द एक्सरसाइज आई हैव टोल्ड यू कि यू कैन राइट इन द कॉपी, मीन्स इन द कॉपी इन विच यू आर राइटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. And when you will get your books, you can write and note down the exercises in the book. ठीक है, तो सबको ये बात फाइनली समझ में आ गई है कि अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज न्यू सेशन की आ चुकी है, तो आप अपना काम नई कॉपी में अब से शुरू करेंगे. और अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज अभी भी नहीं आई हैं, तो आप कंटिन्यू करेंगे उसी पुरानी कॉपी में, बट आपका काम साफ साफ होना चाहिए, ताकि जब स्कूल खुले तब आपकी कॉपीज चेक हो सके. एंड फॉर द न्यू कॉपी ऑल्सो यू विल बी यूजिंग एन इंटरलीफ कॉपी एज यू वर यूजिंग इन क्लास सिक्स. इंटरलीफ मीन्स वन साइड प्लेन एंड वन साइड रूल. लेफ्ट हैंड साइड आपका प्लेन होना चाहिए और राइट हैंड साइड आपका रूल होना चाहिए. डायग्राम्स आपके जो बनेंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड बनेंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज आ चुकी हैं, तो definitions and all, if you find definitions and all are from the book only, so you can, if you want, you can write some certain topics for your means for your understanding purpose, you can write them in the rough copy. ठीक है, जब आप अपना new copy में अगर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो definitions and all जो भी हम लिखवाते हैं वो book से ही लिखवाते हैं. ठीक है, कुछ अपने से तरफ से भी देते हैं, तो अगर आपको समझने के पर्पज़ से, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट देम, यू कैन राइट इट इन द रफ कॉपी एंड कीप इट सेफ, बट कीप इट सेफ. ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर उधर कहीं भी फेंक दिया, कुछ भी कर दिया.
रखें टू कीप इट सेफ. एंड एज यू वर डूइंग इन क्लास सिक्स द क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी है वो आपको अपनी फेयर कॉपी में कर दें. तो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर टू यू ऑन दिस. सो अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट देयर. बट प्लीज़ चिल्ड्रन, डोंट कीप ऑन आस्किंग मी सेम थिंग एवरी टाइम. आपको पहले भी बताया गया था, आज भी हम बता रहे हैं कि अगर बुक कॉपी दोनों नहीं हैं तो एक्सप्लेनेशन जो डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं वो आपको लिखना है. अगर बुक्स कॉपीज आ चुकी हैं तो अगर आपको समझने के पर्पज़ से आपको कहीं कुछ लिखना है डेफिनेशन तो आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा. अदरवाइज द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू कीप ऑन यू कैन राइट एज यू वर राइटिंग इन योर क्लास सिक्स. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम एंड राइट हैंड साइड क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो आई हैव नाउ मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ हीट एंड इट्स इफेक्ट. क्लास सेवेंथ ए के बच्चे जो हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे, उस आपकी बुक में ऊष्मा और ताप जो आपका चैप्टर अभी हम पढ़ रहे थे वो आपका एक ही में दिया हुआ है. जो चैप्टर हम इंग्लिश मीडियम में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर उसी में है, इन्वॉल्व है. ठीक है, ये आपका न्यू चैप्टर नहीं है, ऊष्मा और ताप के आगे के ही टॉपिक्स हैं जो हम आज इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का चैप्टर जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो आपके हिंदी मीडियम के बुक में एक नेक्स्ट टॉपिक दिया है. ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका भी ये न्यू चैप्टर है, आपका वही चैप्टर है बस टॉपिक दूसरा हो गया है. और इंग्लिश मीडियम बच्चों का ये न्यू चैप्टर है. ठीक है, तो आर न्यू चैप्टर इज द हीट ओनली बट द वेज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. न्यू मतलब कैसे हीट को हम ट्रांसमिट, हीट का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है. आप अपने चैप्टर का नाम अभी हम आपको दिखाते हैं, लेट्स सी व्हाट्स देयर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको कि हम हिंदी में ऊष्मा का संचरण भी कहेंगे. तो हिंदी मीडियम की बुक में ये एक टॉपिक है. ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक में ये एक नया चैप्टर नहीं है बल्कि एक नया टॉपिक है, ऊष्मा का संचरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट नाम से इंग्लिश मीडियम की बुक में एक न्यू चैप्टर है. सो हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा. इज़ दैट क्लियर? इंग्लिश मीडियम की बुक में एक नया चैप्टर है बट हिंदी मीडियम की बुक में ये उसी चैप्टर ऊष्मा एवं ताप के चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक है. तो बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़े थे कि कंडक्शन और हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. इट गोज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी एंड द कंडीशंस वर ऑल्सो देयर कि इफ़ one body has a lower temperature, higher temperature and the other body must have the lower temperature. ठीक है, तो उसी basis पे heat के transfer की three methods दिए गए हैं, three processes दिए गए हैं. ठीक है, three methods या three processes दिए गए हैं कि किस किस तरह से heat transfer हो सकती है. First method is the conduction, हिंदी में इसे चालन कहेंगे. Second is convection, इसको हिंदी में संवहन कहेंगे. देन थर्ड इज़ रेडिएशन, इसे हिंदी में विकिरण कहेंगे. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन एंड और विकिरण, ये थ्री मेथड्स हैं, थ्री प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर होती है या ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है. लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ कंडक्शन. चालन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ लेस हॉट ऑब्जेक्ट वेन दे आर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. ठीक है, अब हिंदी में इसे हम पढ़ लें, हिंदी के बच्चे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. जब तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं और पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं, इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुँच जाती है. ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है. ठीक है, यानी कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर,
You can see the diagram. I'll show you. This is the diagram. See, this is a in your kitchen, that it is a common example in the kitchen when the vessels are used in the kitchen on a gas. अगर गैस पर कोई भी आपकी कोई वेसल अगर रख दी जाए, ठीक है, ये एग्जांपल हमने आपको पहले भी समझाया है. अगर गैस पर एक वेसल रखा हुआ है जिस पे नीचे से फ्लेम जा रही है, ठीक है, तो गैस कप पे जो रखा हुआ वेसल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है. इट बिकम्स हॉट स्लोली एंड स्लोली, द होल वेसल बिकम्स हॉट एंड वॉट एवर द food is there which is being prepared, that is also being cooked. ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जब अगर इसमें सब्जी बन रही है सपोज करिए, तो अगर इसके ऊपर एक लिड लगा दिया जाए और ढक्कन या इस पर लगा दिया जाए, तो कुछ देर के बाद इफ़ योर मदर आस्क यू टू प्लीज़ गो एंड जस्ट सी द वेदर द वेजिटेबल इज़ बीन कुकड और नॉट, अगर आपकी मम्मी आपसे कहें कि जाकर के एक बार बर्तन रखा है सब्जी बन रही है तो जा कर के एक बार उसे चम्मच चला दीजिए, तो यू गो एंड जस्ट इफ़ यू कैन नॉट टच दैट लिड, आप उस ढक्कन को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली उसे टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर हैंड्स कैन गेट बर्न, आपका हाथ जल सकता है. तो व्हाट डू, यू टेक विद सम किचन क्लॉथ टू जस्ट हैंडल दैट लिड. अगर आपको उस ढक्कन को हटाना है तो आप अपने किचन में कोई जो कपड़ा यूज़ करते हैं किचन में, उसको उसकी हेल्प से आप उस ढक्कन को हटाएंगे और विद द हेल्प ऑफ सम यूटेंसिल, अदर यूटेंसिल, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ओपन दैट लिड ऑफ दैट वेसल. ठीक है, अगर सपोज करिए कि वो उसकी जगह पे कोई चम्मच है, अगर गलती से चम्मच उसमें छूट गया है, तो वो चम्मच भी अगर आप छूएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इस ये जो वेसल ऑलरेडी फ्लेम पे है, ये वेसल पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से गर्म हो गया, और साथ ही दूसरा यूटेंसिल या दूसरा कोई भी बर्तन या कोई कुछ भी ऐसा मेटल टाइप का इस वेसल के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर दोनों कांटेक्ट में है, तो हीट क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर आराम से फ्लो कर जाएगी. सो इट कैन बी कि सेड कि द हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर, द कंडीशन इज देयर कि दे शुड हैव द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पे हीट तभी ट्रांसफ़र होगी जब इसका तो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का तो टेम्परेचर हाई हो गया, बट जब इस पर स्पून आया था तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या था, लोअर टेम्परेचर था, तो हीट इस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आराम से चली गई. तो दिस इज़ द कंडक्शन. वन एक्सपेरिमेंट वॉज डन इन द लैबोरेटरी टू शो द कंडक्शन ऑफ हीट. एक लैबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था टू शोइंग द कंडक्शन प्रोसेस. ऐसा हुआ था कि एक ऐसा स्टैंड लिया गया था, आयरन स्टैंड, ठीक है, एक उसको बंसन बर्नर था या कैंडल, आप अगर आप कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं बंसन बर्नर की जगह पे, ठीक है. तो इस आयरन रॉड पर एक विद द हेल्प ऑफ वैक्स के हेल्प से यहाँ पे कुछ पिंस को फिक्स किया गया था. विद द हेल्प ऑफ द वैक्स सम पिंस वर फिक्स्ड ऑन दिस आयरन रॉड. फिर बंसन बर्नर या कैंडल की हेल्प से एक साइड से इस आयरन रॉड को हीट किया गया. सिर्फ एक साइड पे कॉर्नर पे इस बंसन बर्नर को रखा गया था टू हीट दैट आयरन रॉड. तो हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद जब इस हीट की वजह से आयरन रॉड गर्म हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ का पोर्शन गर्म हुआ. द पोर्शन विच वॉज प्रेजेंट हियर वॉज ओनली बींग हीटेड, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वर नॉर्मल, बाकी का टेम्परेचर सही था, बस इसका टेम्परेचर हीट की वजह से क्या हुआ, वो बढ़ गया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि ये मेटल था और सॉलिड था, तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सॉलिड्स में क्या होता है, धीरे धीरे हीट वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल पे फ्लो करती है. तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, पूरे आयरन रॉड पे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लगी, क्योंकि ये जो पिंस थे ये दे आर अटैच टू द आयरन रॉड्स विद द हेल्प ऑफ नेल्स. तो नेल्स यहाँ पे जो हीट हुआ, तो क्योंकि ये फ्लेम के नज़दीक था, तो यहाँ की जो मोम थी क्या हो गई,
वैक्स क्या हो गया, वो पिघल गया। तो जब वो वैक्स यहाँ पिघल गया, जिससे पिन रुकी हुई, जिस पे पिन फिक्स थी, वो वैक्स पिघल गया तो पिन क्या हुई, नीचे गिर गई। ऐसे ही बंसन बर्नर यहाँ पे हीट कर रहा है इस जगह पे, बट मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होते होते पूरी आयरन रॉड क्या हो रही है, गर्म हो जा रही है। द होल आयरन रॉड इज़ गेटिंग हीटेड। तो स्लोली एंड स्लोली द वैक्स विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर ऑल्सो दे ऑल स्टार्ट मेल्टिंग। यहाँ की पिंस तो गिर गई, फिर ये वाली वैक्स मेल्ट हुई, फिर ये वाली मोम मेल्ट हुई, फिर इधर इधर करते करते सारी मोम धीरे धीरे जो इस आयरन रॉड पे थी वो पिघलने लगी। एंड ऑल द पिंस विच वर अटैच्ड विद द टू द आयरन रॉड ऑल स्टार्टेड गेटिंग फॉलिंग ऑल स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट द कंडक्शन ऑफ हीट इज देयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस। जब यहाँ से बंसन बर्नर एक तरफ से हीट कर रहा है तो आयरन रॉड है ये, और सॉलिड सब्सटेंस में धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होती है हीट, और इस तरह से पूरा वेसल गर्म हो जाता है। इसी तरह से पूरी आयरन रॉड गर्म हो गई। तो आयरन रॉड जब गर्म हुई तो वैक्स की हेल्प से ये पिंस उससे अटैच थी, तो वैक्स मेल्ट होने लगी। एंड बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स ऑल द पिंस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि देर इज़ अ कंडक्शन ऑफ हीट। नाउ टुमारो वी विल बी सीइंग द what is the conditions necessary for the conduction, what are the conditions in because of which the conduction process can occur. So till then, have a good day.